गाइस दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो उधर हमारा एक फार्म है, ये किसी की रिक्शा चार्ज हो रही है और ये हमारा जो है डॉगी, ठीक है। आज हम बच्चे का वजन भी दिखाएंगे और कुछ बातें आपको बताएंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गा फार्मिंग हम कर रहे हैं, नुकसान क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, ठीक है। और एक चीज़ और, कैसे हम इसको बचा जा सकता है, कैसे हम इस नुकसान से बचें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो गलती हम करते हैं, उन गलतियों में अगर हम थोड़ा बहुत सुधार करके चलें, यानी अपने हिसाब से हम काम करें, और जब हम सब कुछ काम कर ही रहे हैं तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसी न्यूटी बना के रखें जिससे कि हमारा जो सब काम करने का ढंग है वो बदल जाए। क्योंकि अभी तक काम करने का ढंग वही है जो आज से 10 साल पुराना चला रहा है, कुछ नया परिवर्तन नहीं हुआ, वही है जो पुराना ढंग चल रहा है, उसी से काम चल रहा है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने फार्म के चारों तरफ ये वाली नेट लगा दी है। मेरे पास काफ़ी सारी मैट पड़ी थी तो ये वाली मैट लगा दी है, और देखिए मैं पूरा मैंने इसको कवर कर लिया है, जैसे कि बाहर से कोई कुत्ता वगैरह या जानवर वगैरह ना आ जाए, ठीक है। छोटा मोटा काम आप भी अगर अपने फार्म के इस तरह कर लेती है तो थोड़ी सी आड़ हो जाती है, जिससे कि कोई जानवर, ठीक है, लोमड़ी, गीदड़, ये फार्म पर आके नुकसान ना करें। ये हमारा पुराना फार्म अभी वीरान पड़ा है, इसको हम चालू करेंगे और आपके लिए इस फार्म के हम दिखाएंगे कि कैसे काम करते हैं। इसको भी भरेंगे, वादा है 2 महीने के अंदर अंदर हम फार्म को भर के दिखाएंगे आपको कि किस तरह से। देखिए, हाँ, से हल्का दिखाता हूँ, घास जमी पड़ी है अभी फिलहाल फार्म में, ठीक है। लेकिन ये है कि आप सभी के लिए ये फार्म अभी हमारा ओके है, ठीक है। तो ये जो फार्मिंग है, देखिए फार्मिंग है, इसमें आपको लगता है कि यार ये नुकसान का बिजनेस है और इसमें हम हमेशा नुकसान उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे फार्मर हैं जो हमेशा दो दो तीन तीन लॉट से नुकसान उठा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। पहली बात, हम फार्मर सबसे बड़ी एक गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि हम अपने फार्म में जो चूजा प्लेस करते हैं वो करते हैं महंगा, ठीक है। महंगा यानी आप खरीदते रहोगे, ठीक है, और फैक्ट्री वाले बेचते रहेंगे। हमेशा याद रखो कि 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच का ही चूजा डालें, इससे ऊपर आपने अगर चूजा डाला तो उसमें लगभग 80% रिस्क होता है कि आपकी मंडी बढ़ेगी या आपको पैसा बढ़ावा मिलेगा या घटेगा। आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ करनी है। सबसे पहली बात तो आपको चिक्स पे कंट्रोल, ठीक है। अगर आप हैचरे से चूजा नहीं खरीदेंगे महंगे रेट पर तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो चूजे के रेट डाउन करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हैचरी वालों को पता होता है कि उनका मार्केट में कितना चूजा निकला हुआ है, तो उस कारण से आप क्या करते हैं, आपने एक और गलती कर दी उसके ऊपर कि आप जैसे ये मौसम ठंडा है, ठीक है, दिसंबर का टाइम चल रहा है, इस टाइम माल तैयार है लोगों का और बहुत परेशान है लोग, 70-75 ये रुपये के आपके पैसे मिल रहे हैं और कॉस्ट जारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी 3 किलो का, 3.5 किलो का, 4 किलो का मुर्गा अपने फार्म पे हाथी बना दिया है ना, तो उस हाथी को बेचने में जो दिक्कत आ रही है वो आप नहीं समझ पाएंगे। एक आपने पूरा रूटीन ख़राब कर दिया। सपोज करो कि आपने एक एवरेज होता है मुर्गे का 2 किलो 2200 ग्राम 2300 ग्राम, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 किलो, ठीक है। 2700 ग्राम का भी मुर्गा मत करो भाई साहब, 2.5 किलो का मैक्सिमम मुर्गा रखो, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता ये है कि जो आप मुर्गा पाल रहे हैं, जाना था वो 2 किलो के एवरेज में, लेकिन आपने बेचा 3.5 किलो के एवरेज में, कुल मिला के जो इसकी जो 1.5 किलो जो हमारा एक्स्ट्रा चला गया ना, 1.5 किलो माल जो एक्स्ट्रा गया मार्केट में, वो क्या करेगा कि ओवर प्रोडक्शन का काम करेगा। जब ओवर प्रोडक्शन मार्केट में होगा तो क्या होगा भैया, माल बहुत ज़्यादा है, लेने वाले कम हो गए, तो कुल मिला के मंडी गई नीचे डाउन। एक चीज़ मैं बताऊँ, सर्दियों में मुर्गा ज़्यादा खाया जाता है, सर्दियों में मुर्गी खपत ज़्यादा होती है, फिर भी मुर्गा रेट डाउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप ही का कारण है। आपको एक रूल बनाना है, आपको एक रूल ये बनाना है कि भैया जो भी हो जाए हमको 2.5 किलो से ऊपर का मुर्गा हमको सेल नहीं करना, उससे पहले सेल कर देना है, 2.5 किलो का मुर्गा होने ही नहीं देना। आपको लालच हो जाएगा, लालच आता है कि मंडी जब बढ़ जाएगी, जब हम बेचेंगे हमारा बढ़िया चिक्स का कॉस्ट निकल जाएगा, चिक्स की कॉस्ट नहीं निकलेगी, आपका नुकसान हो जाएगा, उतना ही मार्केट डाउन जाना है। तो ये चीज़ होती है कि भैया अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ हिसाब से करें, कुछ ढंग से करें, ऐसे काम करने से कोई मतलब नहीं बनता। हम आपको एक चीज़ बताएं दोस्त, फार्मर पूरे महीने मेहनत करता है, पूरे महीने मेहनत करने के बाद जब लास्ट में उसकी कुछ छोटी मोटी कमियों से उसको जब पैसा नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है। और ये बिजनेस ऐसा नहीं कि इस बिजनेस को ख़राब बताया जाए,
मुर्गा फार्मिंग ऐसा एक बिजनेस है, एक तरह से फार्मिंग है, एक तरह से 35 दिन की खेती होती है। अब 35 दिन की खेती में जो फसल है वो या तो बर्बाद है या आबाद है, उसका पता चल जाता है। लेकिन भैया इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म की खेती है, ये शॉर्ट टाइम की खेती है यानी 35 दिन की खेती है, उस हिसाब से इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और रिस्क काफ़ी हाई। और इस रिस्क को कवर करने के लिए आपको एक काम और करना है, वो ये है कि आपको फीड बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। भविष्य में वही फार्मर सर्वाइव कर पाएंगे जिनका अपना खुद का फीड होगा। ये लिख लीजिए आप स्टाम्प पे बात, पोल्ट्री किसान चैनल बोल रहा है, भविष्य में वही फार्मर आगे जा पाएंगे जिनका खुद का फीड होगा। अगर खुद का फीड नहीं होगा तो आप सर्वाइव करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये 2023 और 2024 तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए अभिशाप है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा फार्म खुले हुए हैं, दो बंद होते हैं 10 खुलते हैं, दो बंद होते हैं 10 खुलते हैं। फ़ायदा किनको मिल रहा है? कंपनियों को। फ़ायदा किनको मिल रहा है? डीलरों को। वो आज आपको जैसे नया फार्म खुलता है ना, तो डीलर आपके पास आते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं कि पूरे बैच का हम दाना दे देंगे। कंपनियों के जो सुपरवाइज़र, वो आपके फार्म पर विजिट करते हैं, बोलते हैं कि आइए हमारे साथ काम करिए, आपको कुछ नहीं करना, हम बच्चा हम देंगे, दाना हम देंगे, सब कुछ हम देंगे। लेकिन भैया उनसे कौन बताएगा नए फार्मर से कि जो बच्चा दाना दिया जा रहा है उसमें कितनी कंडीशन है, उसमें आपका कितना खर्चा है? उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है दोस्त, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको आप अपने जो फीड चार्ट है दिखा देता हूँ। देखिए, और बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि भैया हम फीड मशीन सेल कर रहे हैं। भैया फीड मशीन मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि फार्मरों को क्या चाहिए, अगर मैंने दाना बनाना सिखाया है, बताया है कि हाँ दाना बनाया काम के लिए, तो उनको मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे लें, जहाँ से आपको सूटेबल लगता है, जहाँ से आपको मशीन को रखना है, लगाना है, जो भी सेटअप आपके आसपास कर सकता है उससे करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिला के अपना दाना बनाइए। ये चार्ट हमारा है, ठीक है, 5 क्विंटल, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 32 क्विंटल दाना अब तक हम अपनी फीड मशीन में बना चुके हैं। अब हमारे इसके अंदर स्टॉक कितना है? कल हमने लगभग 5 क्विंटल दाना बनाया था इसमें, और 5 क्विंटल दाना बनाने के बाद इसमें लगभग 4 क्विंटल दाना भी स्टोर पड़ा है। ठीक है, 4 क्विंटल दाना पूरा इसमें स्टोर पड़ा है, तो हम इसमें से पूरा 4 क्विंटल दाना 400 केजी माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें जो दाना स्टोर है वो मुर्गे के लिए अभी कम से कम दो ढाई दिन तक काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27 क्विंटल दाना आप लगा लीजिए। तो 27 क्विंटल दाना हमारा मुर्गी ने खा लिया है। चलिए अब हम इसकी आपको वजन भी करके दिखाते हैं कि इसका वजन कितना आ रहा है। और दोस्त जितनी भी आती है मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कई फार्मों में जाके एक्सपीरियंस लेके अपने खुद के तजुर्बे से, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। अधिकतर 80% लोग फार्मिंग में अनपढ़ गवार है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। डीलर भी ऐसे नहीं, डीलर को जोड़ घटा आ गया बस उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, ट्रेडर हो गए, जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोल ली, उन्होंने हैचरियाँ खोल ली। ठीक है, उन्होंने आपको 10% देना इस्तेमाल कर दिया। तो मैं ऐसा एक यूट्यूबर है जो पढ़ लिख कर आपके साथ दे रहा है, आपकी फार्मिंग को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा बर्ड है, पहले तो आपको एक बर्ड की कंडीशन दिखाता हूँ। राजू मैंने रख रखा है क्योंकि मैं इसका वजन तोल चुका हूँ, लेकिन आपके सामने तोल के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आप पहले तो बच्चे की कंडीशन देखिए, खुद के फीड पे बच्चा तैयार कैसे होता है ये देखिए। और ये बच्चा बिल्कुल देखिए, इस बच्चे की आप कंडीशन देखिए। ये बच्चा अगर आप किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कटर को दिखाएंगे कि ये बच्चा कैसा है, तो वो इसे देखकर कहेगा कि बच्चा बहुत ज़बरदस्त पाला गया है, गोल मटोल बच्चा है, इसको उठाने में उसको कोई भी प्रॉब्लम, हर एक बच्चा ऐसा, पंख बहुत कम है और माल ज़्यादा है। तो हर एक डीलर, हर एक कटर क्या चाहता है, उसको माल अच्छा मिले। जब आपके पास माल अच्छा होगा ना, तो आपको इसको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस मुर्गे को एक दिन के अंदर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी मार्केट नहीं है, मात्र एक कटर ही इसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, जब आपके पास माल अच्छा होगा ना,
तो आपके पास लेने वाले 50 लोग आएंगे कि हमको माल दीजिए, हमको माल दीजिए। पता चलता है कि वो फार्मर इतना अच्छा माल पालता है, क्योंकि कंपनी का क्या, कंपनी को बहुत रद्दी माल है, बहुत रद्दी माल होता है, पंख ज़्यादा होते हैं, छोटा बड़ा होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, और उसमें आपको स्वतंत्रता भी नहीं मिलती। ठीक है, हम इसमें फीड वाला जो हमने काम करा है, हम अपना मुर्गा पाल रहे हैं। मंडी के आज का जो हालात है ना, वो लगभग 70-77-78 ये इस रुपए के बिक रही है। फिर भी हम कहते हैं कि ये बच्चे में हम अपना पैसा बचा लेंगे, चाहे यार 5,000 या 10,000 ही बचाएं, ठीक है, हम इसमें बचा के दिखाएंगे। इस मंडी में भी दिखाएंगे कि हमारा कितना स्टॉक हुआ, कितना हमने दाना लिया था, कितना हमारा बर्ड बिका है, कितने पैसे हमको बचे हैं। तो जब मैं भी तो आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, मेरी कोई इतने बड़े लिंक नहीं है, मैं भी फार्मिंग करता हूँ, ठीक है, दूसरों पे फार्म पे जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम चलता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ये बात है। लेकिन क्या है कि मैं एक माध्यम हूँ आप लोग, आप सभी को कनेक्ट करने का। तो ये चीज़ जब मैंने अलग अलग जाके देखा कि फार्मर क्या गलती कर रहा है, कुछ फार्मर मुझे बताया कि ऐसे काम करना चाहिए, बहुत से फार्मर बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत से फार्मर ने 1,00,000 तक की फार्मिंग पहुँचा दी 2,000 से, तो भैया आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसी कोई खेती नहीं जो 35 दिन के आपको रिजल्ट दे दिए। भैया आपके बाप दादाओं के पास इतनी अगर प्रॉपर्टी हो कि आप दुकान ज़मीन जायदाद बाहर खरीद कर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अरबों रुपया पड़ा हो, करोड़ों रुपया पड़ा हो, तो आप बिजनेस कर लीजिए। लेकिन भैया अगर 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 से काम चलाना चाहते हो, तो ये फार्मिंग एक ऐसा ऑप्शन बचता है कि इसमें आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मजदूरी करने से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने ढंग से काम नहीं किया ना, तो आप ज़िंदगी भर के लिए मजदूर बन जाओगे। तो ढंग से काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फीड पे कमांड करनी पड़ेगी। ये जो फीड है, जो मुर्गा खा रहा है, ये फीड आपको बनाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं नहीं कहता मशीन मुझसे लो, मैं नहीं कहता फॉर्मूले मुझसे लो, मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ मिलकर काम करो। जहाँ से आपको अच्छा काम मिले, जहाँ से आपको अच्छा लगे कि मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको बस फीड बनाना है। अरे चाहे इसको चक्की में दलवा के लाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे हाथ से मिलाओ, चाहे मिक्सर इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन भैया दाना बनाओ, जिंदा रहोगे। अगर दाना नहीं बनाओगे तो बिल्कुल ही मतलब आपका हिसाब बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, नहीं कर पाओगे काम, आगे जाके नहीं कर पाओगे। तो चलिए अभी हम इसमें इसका वेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा, मैंने इसमें आज गिम्बल में स्टैंड लगा लिया था, क्योंकि बच्चा पकड़ने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको फोकस दिखाता हूँ आपको, लाइव टेस्ट दिखाता हूँ कि कितना हमारा मुर्गा वजन लेगा। यह आपको दिख रहा है, तराजू ऑन कर लिया। चलो थोड़ा सा इसको नीचे रख लेते हैं, थोड़ा गंदा ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टायर कर लेते हैं केजी में, अच्छा टायर कर लिया, मोट कर लेते हैं केजी में। ये हो गया, ये लीजिए केजी आ गया, ठीक है, अब केजी आ गया। अब हम इसमें इसका वेट करते हैं। तो ये हम एक मुर्गा पकड़ के लिए आए, अब इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, अब वेट दिखाते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि मैं बड़ा मुर्गा छोटा मुर्गा दोनों दिखाऊंगा, ऐसा नहीं बड़ा बड़ा पकड़ के दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा बड़ा मुर्गा दिखा लेते हैं कि हमारा बड़ा मुर्गा कितने का है। दो किलो 170 ग्राम, 68 ग्राम, 60 ग्राम मान लीजिए। तो ये मुर्गा हमारा, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको इसका रंग रूप, 2 किलो 170 ग्राम, ये रहा मुर्गा, ठीक है, आपके सामने मसल सहित पूरा। और ये मुर्गा हैवी है, ऐसा नहीं कि छोटा मुर्गा है, बड़ा मुर्गा है। और आज है फार्मिंग को 31वां दिन, आप काउंट कर लीजिए 31वां दिन है लगभग, ठीक है। जितने क्विंटल दाना खाया आपको मैंने बताया है, और 2 किलो 160 ग्राम आप मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा बच्चा लेके आते हैं, इसको भगा देते हैं, कांटा जीरो हो गया, तो चलिए दूसरा लेके आते हैं। ये एक और लेके आया हूँ मैं पकड़ के, ठीक है, इसने हमारा कांटा गड़बड़ कर दिया, इसको मोड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसमें ले आए। और ये भाग रहा है बहुत, ये परेशान कर रहा है दोस्त।
आपको मुझे हर बार अपडेट करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसे भी काम होता है। ये देखिए दोस्तों, 2 किलो 58 ग्राम, ठीक है, 2 किलो 58 ग्राम मुर्गा आप देख लीजिए, ठीक है, ये रहा मुर्गा। ठीक, तो अब हम मुर्गी पकड़ लाएंगे दोस्त, अब ये करेंगे मुर्गी का एवरेज। ये है देखिए दोस्तों हमारे पास मुर्गी, ठीक है, और आप इसकी केसर देख लीजिए, मुर्गी है। अब हम मुर्गी का वजन देखते हैं, यह है 1800 ग्राम की मुर्गी, मुर्गी भाग चुकी है, आप देख लीजिए इसके सामने से ये जा रही है सामने मुर्गी, ठीक है। चलिए और उठा के लाते हैं और देखते हैं आपके लिए। ये अपने फार्म की सबसे हल्की मुर्गी मैं लेकर आया हूँ, तो इसका भी हम वजन करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारा कितना वेट आता है, ठीक है। सबसे हल्की मुर्गी है और इसको नीचे बैठा देते हैं और वेट देखिए 1600 1650 के आसपास इसका वेट निकला है, सबसे हल्की मुर्गी मेरे फार्म की, ठीक है। तो 2100 ग्राम का बच्चा है मुर्गी, 1600 ग्राम की सबसे छोटा बच्चा, चलिए मीडियम बच्चा जो है वो 1900 ग्राम का है। और मैं आपको और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ दोस्त, देखिए दोस्त ये भी मुर्गी है। वजन रखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ, ये देखिए ये भी मुर्गी है और छोटी मुर्गी है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं मुर्गी मुर्गे तोल रहा हूँ, आपके सामने मुर्गी तोल रहा हूँ, ये भी मुर्गी, ठीक है। चलिए अब हम बेट खेल के स्पेल के इसका वो कर देते हैं फोकस, ठीक, इसके बाद आपको यकीन होगा। ये मुर्गी 1693 यानी 1700 ग्राम के आसपास की है। और दिखाते हैं दोस्त पीछे से, देखो पूरा हमारा फार्म है, इसमें से हम दिखाते हैं आपका, आपके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पीछे लेके आते हैं, सब बच्चा इक्वल बराबर बैठा है, फिर भी हम लोग आपके लिए एक एक बच्चा मुर्गा पकड़ ला रहे हैं। ये भी मैंने मुर्गी पकड़ी है आपके लिए, ठीक है, ये भी मुर्गी है और इसका वजन करेंगे। इसको हम इधर फोकस में ले आते हैं और नीचे, अरे ऊपर जा रहा है, नीचे लेके आते हैं और कांटे की तरफ को इसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें मुर्गी बिठाते हैं हम, देखिए मुर्गी 1800 ग्राम की है, तो कुल मिलाकर जो हमारी हम इसमें एवरेज माने ना, लगभग 1900 ग्राम की इसमें एवरेज हमारी पड़ी है, ठीक है। ये काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, जितने मैंने इसमें बच्चे दिखाए हैं आपको, और लगभग इसमें 1900 1850 के आसपास की एवरेज मैं मान रहा हूँ पड़ी है। और दोस्तों ये चीज़ है हमारे खुद के बनाए हुए फीड पर, तो जो चीज़ हम अपने कर सकते हैं यानी फीड का बनाना हम बना कर सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, भविष्य में सर्वाइव वही करेंगे जो कि काम अपने दाने पर करेंगे, वरना तो फार्मिंग एक बार के लिए बहुत ज़्यादा डाउन होके मर जाएंगे आधे फार्मर। तो ये चीज़ है, ज़रूरी नहीं मशीन मेरे साथ मेरे से ले भैया, मुझसे मत लो, मैं कमीशन नहीं करना चाहता, मैं मुझे प्रॉफिट मत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम फार्मरों को ज़िंदा रखो, जो करना चाह रहे हैं उसके लिए निगेटिव बातें तो मत करो, ठीक है। जब किसी से अगर फीड नहीं बन पाया तो दोष नहीं है कि इसका फीड बन नहीं सकता भाई, किसी के पास कुछ फार्मूले हैं, किसी के पास कुछ फार्मूले हैं, इसमें एक हम एक ऐसी सीक्रेट चीज़ लगा रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है, उसको हम जब ही बताएंगे जो हमसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जब इसकी पाचन क्रिया अच्छी होती है ना, तो मुर्गे का वेट भी आता है, पाचन क्रिया इसकी सबसे बढ़िया है। बीट की क्वालिटी देखिए, ठीक है, इधर देखिए बीट की क्वालिटी, इक्का दुक्का क्वालिटी ऐसी होंगी जो बीट आपको गलत दिखेगी, ठीक है। इधर देखिए पूरे फार्म में, जैसे ये वाली बीट है, ये बीट गलत है, ठीक है।
ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपका 1-2% बच्चा इस तरह की बीट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिला के बीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फार्मिंग में जो बीट है, बीट देखकर ही कुछ लोग अपनी मुर्गी का ये बता देते हैं कि उसको क्या दिक्कत है, उसके डाइजेस्ट सिस्टम में क्या दिक्कत है, उसको क्या परेशानी आ रही है। तो कुल मिला के ये फार्मिंग आपके लिए फायदे का बिजनेस है जब इसको आप मैनेजमेंट के साथ, कायदे के साथ करोगे। अगर कायदे के साथ नहीं करोगे तो ये आपको अनकायदा बना देगी और आपको ये फार्मिंग से बाहर धकेल देगी। अगर किसी से कोई काम नहीं होता तो उस चीज़ को बदनाम ना करें, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊं, हमारे एक अंकल जी हैं जो करीब करीब 55 साल के हैं और जानकारी में भी हैं भाई। अब 55 साल की एज में मुर्गा फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी ज़मीन जायदाद सब बैंक गिरवी में रखी थी, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जैसे तैसे करके उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपना हिसाब निकाला, चाहे वो दाना लगाते हैं या कुछ भी करते हों। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद उन्होंने अपनी ज़मीन भी छुटाई, ठीक है, और वो सुकून से हैं। कल ही बात हो रही शाम के नंबर में। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि जब 55 साल के आदमी कोई नौकरी तो देगा नहीं, ठीक है। आपके पास अगर कोई बिजनेस हो, कोई बहुत बड़े आप बाप दादाओं की औलाद हो तो ये काम मत करना। लेकिन अगर आप मध्यम वर्ग से, मध्यम परिवार से है, जो 2-4 लाख के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट हो गया, अब नहीं कर सकते, जुआ वो खेलना नहीं चाहते, ठीक है, एक बिजनेस करना चाहते, एक ठोस बिजनेस जिससे कि अपना काम को हम आगे बढ़ा सकें, अपनी 2 बच्चों की रोटी पाल सकें, तो भैया मेहनत वाले का काम है फार्मिंग करना। आपके लिए था इसमें कुछ जानकारी थी, कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन थे, कुछ आपके लिए वार्निंग भी थी। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। भैया पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपको पसंद, हर इंसान एक सा नहीं होता, हर एक को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, लेकिन भैया जिसको आए वो लाइक करे और नीचे एक कमेंट छोड़ के जाए। भैया लाइक करने से क्या होगा कि थोड़ा सा वीडियो ग्रो अच्छा करेगा, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।